हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है आर्क एजी रिबॉर्न का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोग ने देखा था पिछले एपिसोड जो है ना, हम लोग ने यहाँ पे टेम किया था अपना सेबर टूथ काफ़ी मेहनत करके। पर जितना मेहनत करके हम लोग ने टेम किया था, उतना ईजिली जो है ना हम लोग का घर का बाहर ही मतलब वो सेबर टूथ को काफ़ी गंदे तरीके से वहाँ पे मारा गया था। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं वापस ऑफलाइन में जाके सेबर टूथ टेम कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे जो है ना एक नहीं दो दो जो सेबर टूथ है वो ऑलरेडी यहाँ पे टेम कर लिया है। तो आज देखते हैं कि आज जाके हम लोग यहाँ पे कौन सा डाइनो टेम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने के लिए अपने पास कुछ ओपी ट्रैंक वगैरह है नहीं। तो जब राहुल आएंगे, जब हेल्प करेंगे, उसके बाद शायद आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया हो नहीं रहा है। तो आज जाके देखते हैं कि हम लोग कौन सा वाला डाइनो को टेम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक काम कर लेते कि अपना जो वाइवन है ना उसको ले के यहाँ से कैप रुक आया भाई, ये क्या है? क्लेम स्मॉल गिफ्ट, वाह ट्राइब। ये राहुल यहाँ पे छोड़ के गया। ओ भाई क्या मस्त, देखिए ये जो है ना ग्लो कर रहा है, देखना। ओ भाई वाह वाह, मेरी को यहाँ पे गिफ्ट छोड़ के गया है। तो हम लोग भी एक टीम करके ज़रूर हम लोग भी एक गिफ्ट छोड़ेंगे राहुल के लिए। बट ये यहाँ पे जो है ना इसका कलर ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, क्या ग्लो कर रहा है। ये कौन सा वाला है रे, मैं देखता है इसको स्मॉल गिफ्ट। इसका नाम ही नहीं आ रहा, पता नहीं इसका नाम क्या है। बट अच्छी बात है कि यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे ऑलरेडी डाइनो ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे क्या था पता नहीं, बाई स्टोन एंड सैंड यहाँ पे ऐड हो चुका था। चलो अभी अपना जो है गिफ्ट क्लेम करना हो चुका है। एंड हम लोग इसको राहुल के बाद में थैंक यू बोल के वो हम दे देंगे। एंड यहाँ पे जैसे देख रहे हो मैंने यहाँ पे दो दो जो है ना ये इसको टेम कर लिया था। मैं पहले दिखा देता हूँ, एक में हम लोग ने दो दो यहाँ पे सेबर तो टेम कर लिया, एक ये वाला है एंड और एक है। बट अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए निकाल नहीं सकते। सो इसका इसके लिए शैडल है ना, क्योंकि हम लोग ने एक ही शैडल बनाया था, तो इसलिए अपने पास दूसरा शैडल फिलहाल के लिए है नहीं। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो जाके देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे क्या टेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना वाइवन कहाँ गया भाई? ओके, अपना फॉरेस्ट वाइवन जो है ना वो यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमें बार बार चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट वाइवन लेते हुए चलते हैं कुछ चीज़ यहाँ पे टेम करने के लिए। तो देखते हैं कि आज हमें यहाँ पे क्या मिलता है। एक मिनट, ये क्या है? हम लोग ये बॉस्की टूर्स क्यों जा रहे हैं? हमें तो बॉस्की टूर्स जाना नहीं था, बट अभी यहाँ पे निकल चुके हैं तो चलते हैं। तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा डाइनो मिलता है। जब भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डाइनोस का नेम वगैरह चेंज कर दिया है तो हमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, एंड यहाँ पे बॉस अटैक करे जा रहा है। सो यहाँ पे जाके देखते हैं कि आज हम लोग किसको टेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। कौन चल रहा है? लगता है कि 21 है, 21 ये 70 लेवल का। एंड यहाँ पे और एक चीज है। सो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कार्नो जो है ना इसको उड़ाते हैं। सो ये इसको उड़ाने के बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे वो इसको टेम करने का कोशिश करते हैं आज। अरे भाई लग जा, क्यों नहीं लग रहा है? चलो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उड़ते उड़ते तो ये वाइवन को संभालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुए जा रहा है। एंड यहाँ पे कार्नो वगैरह सब, एक मिनट, ये लोग सब नीचे चला गया है, फिर भी इन लोग को जो है ना मारना काफ़ी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। सो इसका हमें ज़रूरत ही नहीं होगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ही बैठ जाते हैं। वो भाई अंधेरा चालू हो चुका है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो गामा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। सो हम लोग यहाँ पे जो है ना 8, ओके हम लोग ने यहाँ पे अपना गामा बढ़ा दिया। एंड यहाँ पे यहाँ से निकलते हैं, इसको पहले सबसे पहले तो इसको क्रायो कर लेते हैं। क्रायो करने के बाद घर पे टीपी भेज के जो है ना हम लोग यहाँ पे 21 को टेम करने का कोशिश करेंगे। 21 शायद पैसिव टेम था आई थिंक। अरे गया कहाँ पे अभी? यहाँ पे तो होनी चाहिए थी 21 को। ओके कहाँ पे गया? ये तो कार्नो है। एक मिनट, अभी 21 कहाँ गया? 21 अभी तो मेरे को यहीं पे दिखा था। चलो हम लोग यहाँ पे व्हाट, मजाक चल रहा है क्या मेरे साथ? अभी तो 21 मैंने यहाँ पे ही देखा था, अभी गया कहाँ पे? जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आगे जाके देखते एंड देखते कि कोई पैसिव टेम है या ए टेम है। ओके हमें पैसिव टेम, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सिंपल केबल। एंड दूसरा वाला इक्विस के लिए चाहिए हमें तीन सिंपल केबल। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग शायद एक इक्विस को तो टेम कर ही सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है अपना सिंपल केबल, ओके अपना यहाँ पे सिंपल केबल आ चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ पे धीरे से पीछे से चलते हैं, एंड जो एक इक्विस को जो हम लोग टेम कर सकते हैं ना, हम लोग उसको टेम करने का कोशिश करेंगे। क्या भाग गया रे, मुझे लगा था मैं इसको काफ़ी इजीली टेम कर पाऊंगी, बट यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ से भागते हुए मैं कारनो का वहाँ पे पहुँचूंगी, मेरे को पता चल गया। वाह, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, नीचे नीचे काहे जा रहा मैं। वाह भाई, कुछ इसको टेम करने का चक्कर में ना मैं यहाँ पे इतना नीचे जा चुका हूँ ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे कारनो जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली, मेरे को इतना तो पता चल चुका है। तो यहाँ से हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, निकलने के बाद जो है ना हम लोग वहाँ पे वापस से क्विज़ को टेम करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, इतना जोर से, मतलब ये क्यों हिल रहा है। एंड यहाँ पे इक्विस भी भाग चुका है, हम लोग भी यहाँ पे नीचे गिर चुके हैं। अभी अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं अपना वाइवन को। चलो भाई वाइवन को ले के चलते हैं इक्विस की टूअर्स। यहाँ पे कोई तो भाई काफ़ी गंदी तरीके से जो है ना यहाँ पे मार रहा था। कौन मार रहा है यहाँ पे, भी बॉस है क्या वो बॉस यहाँ तक दूर आए तो गजब भेजती है अपना। तो चलो अपना यहाँ पे इक्विस गया कहाँ पे अभी, एंड यहाँ पे मेरे को इक्विस दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। कुछ यहाँ पे होना चाहिए था पर यहाँ पे है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन भी है, इसको हम लोग दो रेगुलर केबल से टेम कर लेते हैं। ऐसे तो हम लोग प्राइमल फियर पे काफ़ी ज़्यादा ओपी वाला डेमोनिक वगैरह वगैरह थ्रोनी ड्रैगन टेम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे है ये कौन सा वाला, हाइना। हम लोग हाइना को भी टेम तो कर सकते हैं एक्चुअल में, देखते हैं हम लोग का जो पॉसिबल होगा ना हम लोग वही टेम करने का कोशिश करेंगे। एक काम कर लेते हैं, पर सबसे पहले तो इसको क्रायो कर लेते हैं, क्रायो करने के बाद घर पे जो है ना टीपी भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरने का जो अपना चांसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग घर पे यहाँ पे टीपी भेज के उसके बाद यहाँ पे जाके टेम करने का कोशिश करेंगे। मेरे को पता है कि हाइना को टेम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट कोशिश करने में क्या ही जाता है। यहाँ से बोला लगेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट हम लोग बोला तो फेंके जा रहे हैं। ओ भाई आ जाए ना, अरे नीचे गया कहाँ पे। ओके यहाँ पे जो है ना एक नहीं दो दो हाइना है, सो हम लोग यहाँ पे इसको ये लगा देते हैं। एंड ये थ्रोनी ड्रैगन नॉर्मल वाला है भाई, पर इसका कलर अच्छा लगा। एक मिनट, मैं तो हाइना को ये करने जा रहा था, थ्रोनी ड्रैगन क्यों पीछे पड़ गया, मैंने तो उसको कुछ किया भी नहीं भाई। इसको डैमेज काफ़ी गंदा है। चलो जो है यहाँ पे मेरा टॉर्पर तो काफ़ी गंदी तरीके से चल रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पे, अरे रुकना भाई, अरे दो दो थ्रोनी, मुझे लगा था थ्रोनी ड्रैगन तो काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, डायरेक्टली मेरे को अटैक करके मार भी दिया। चलो सही है भाई, ये कर लो तुम पहले। चलो सबसे पहले स्पॉन वापस से रिस्पॉन हो जाता है, उसके बाद अपना लास्ट जो रिमोट लोकेशन है वो तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है। सो एक काम कर लेते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्रोनी ड्रैगन काफ़ी गंदा डैमेज दे रहा है। तो अभी तो मेरे को जाके भाई थ्रोनी ड्रैगन ही टेम करना है। मैं उसको मतलब शायद बोला कर सकती हूँ कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट वहाँ पे जाके जो है ना हम लोग यहाँ पे टेम करने का कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो है ना यहाँ पे चीज़ें वगैरह रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे जो फाइनली अपना कपड़ा वगैरह हो चुका है, तो अभी सब कुछ पहन लेते हैं एंड चलते हैं हम लोग यहाँ पे टेम करने के लिए वो थ्रोनी ड्रैगन का ही। भाई उसने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दी है, तो हम लोग उसको ही टेम करने चले जाते हैं अभी। सो हम लोग का यहाँ पे है अपना, बार बार ये दूसरा वाला क्यों आ जाता है भाई। यहाँ पे मेरे को होना चाहिए था अपना Y1, सो फॉरेस्ट Y1 को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। अपना यहाँ पे Y1 भी आ चुका है, तो अभी Y1 को निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे चलते अपनी मंजिल के टूवर्स। यहाँ से ऊपर से अभी निकल लेते हैं, यहाँ पे ही दिखा था हमें थ्रोनी ड्रैगन, शायद मैं उसको जो है ना यहाँ पे मतलब क्रायो कर नहीं सकता बट टेम ज़रूर कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ड्रैगन है, एक मिनट ये कौन सा Y1 है भाई, SE फॉरेस्ट Y1 नॉट टेमेबल, इसको तो मैं टेम ही नहीं कर सकता, तो जो चीज़ को टेम नहीं कर सकता उसको ये करके फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे जो थ्रोनी ड्रैगन ने मेरे को मारा था ना, यहाँ पे वापस से मेरे को ये यहीं पे दिख रहा है, बट यहाँ पे दो दो जने, तो दो दो को एक बार में मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। अरे ऊपर बैठना था भाई, ये Y1 क्या करते रहता है भाई,
ओके हम लोग यहाँ पे जो है ना फाइनली बैठ चुके हैं। अभी मेरे को पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे कितना इसको टेम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कोशिश तो ज़रूरी कर सकते हैं। सो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो अपना घर पे टीपी भेज देंगे हम लोग। यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन को जो है ना यहाँ पे मतलब ये कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को, हम लोग इसको यहाँ पे बोला कर सकते हैं कि नहीं, बट ऊपर से हम लोग टॉर्पर देने का ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। सॉबी के लिए जो है यहाँ पे बैठ के, ये वाला नहीं मारा था मेरे को, एक मिनट, इसको लग नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि थ्रोनी ड्रैगन वहाँ नीचे से ऊपर तो आ जाएंगे। उसका 70 लग भी रहा है क्या? उसको नहीं लग रहा है। ये पास में तो इसके ऊपर कोशिश करके देखते, एक मिनट। ओके फाइनली अभी लगा, अभी मेरे को दिख रहा है कि उसको जो नया टॉर्पन यहाँ पे लग चुका है। सो ये ऊपर आने का कोशिश कर सकता है। सो हम लोग यहाँ पे बैठ के जो इसको टॉर्पन ही देते रहेंगे। अभी ये इतना जल्दी तो भागेगा नहीं, इतना तो मेरे को पता है। सो हम लोग यहाँ पे बैठ के जो है ना इसको टॉर्पन दे देते जितना हो सके। इसका लेवल थोड़ा कम है, प्लस ये यहाँ पे भाग रहा है। कहा है ऐसा ना भाई, मेरे को इतना नीचे जाना नहीं है, क्योंकि अगर मैं नीचे चली गई तो मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरा बहुत गंदी तरीके से पेटी बन सकता है। एंड इतना दूर से इसको जो है ना यहाँ पे ट्रैंक भी लग नहीं रहा है। सो अगर मैं नीचे चली गई तो मेरे को हर जगह से जो यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से पड़ने वाला मेरे को पता है। ये जो स्कॉर्पियो यहाँ पे देख रहा था, तभी इसने मेरे को टॉर्पर दिया था, अभी समझ में आया मेरे को टॉर्पर कहाँ से चढ़ा बोल के। इसको मैं शायद क्रायो भी नहीं, मतलब इसको मैं बोला भी नहीं कर सकता, इसको ये भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा टाइम वेट करते, शायद ये जो है ना यहाँ पे स्कॉर्पियो अगर इसको उंगली किया तो शायद इसका थोड़ा टॉर्पर चढ़ जाए, उसके बाद हमें थोड़ा हेल्प हो जाए। बट यहाँ पे स्कॉर्पियो जो है यहाँ पे कुछ खास कर नहीं रहा है। ओ हम लोग स्कॉर्पियो टेम करके इसको टॉर्पर दे सकते हैं क्या? हाँ हम लोग वो भी तो कोशिश कर सकते हैं, बट स्कॉर्पियो को यहाँ पे टेम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लोग ने टॉर्पर दे दिया तो मे बी हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। सो थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करके देख लेते कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो भी पीछे पीछे तो आ ही रहा है, बट इन लोगों का रेंज जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है हमें। हम लोग इतना इजीली जो है ना इसको यहाँ पे नॉकआउट करना अपने लिए मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ओके इसको फाइनली जो है ना यहाँ पे टॉर्पर तो चढ़ चुका है, बट ओ भाई बहुत दूर से मार रहे हैं। एंड मेरे को थ्रोनी ड्रैगन पे टॉर्पर दे रहा है, वाह मैन ये तो सही है। अगर इससे ऐसे तौर पर देने लगा तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। चलो बट इसके लिए ना हमें यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, हमें जो है ना यहाँ पे तौर पर चढ़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो साथ साथ में हमें यहाँ पे इसको मारने का कोशिश भी करना होगा। तो यहाँ पे अभी तो इसका जो जो है ना सीधा लग रहा है मेरे को तौर पर, मेरे को भी तौर पर चढ़ सकता है। इसको तौर पर देने का चक्कर में कहीं मेरे को ना तौर पर चढ़ जाए। सो हम लोग को यहाँ पे हीलिंग तो खाना ही पड़ेगा, सबने पास खास ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग हीलिंग खाते खाते इसको यहाँ पे टॉर्पर देने का कोशिश कर लेते। ओके अपना जो टॉर्पर है वो भी यहाँ पे चढ़ने का चांसेस है। सो उसके साथ साथ जो है ना इसको यहाँ पे टॉर्प जो है, फिर मेरा टॉर्पर इतना जल्दी कैसे चढ़ रहा है? चलो रुक जा बेटा रुक जा, तेरे को तो आज टेम करके रहेंगे। एंड यहाँ पे टॉर्पर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका भी मतलब 31K का टॉर्पर हो चुका है। थोड़ा टाइम और अगर ये हो गया ना तो अपना जो है ना काम 25 हो सकता है यहाँ पे, बट मेरे को पता है कि लास्ट में जाके ये भागने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पे जो है ना टॉर्पर देने का कोशिश तो कर रहे हैं, बट साथ में आप हमें जो है ना यहाँ पे हीलिंग भी खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी टॉर्पर दे रहा। अगर ये टॉर्पर ऐसे देते रहा तो एडवांटेज रहेगा हमें मतलब डाइनो वगैरह टेम करने के लिए, क्योंकि अगर थ्रोनी ड्रैगन टॉर्पर देगा तो अपने लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। तो लेट्स सी अभी क्या होता है यहाँ पे। 46 का तो हो चुका है, अभी ये भागेगा जैसा लगता है मेरे को। ओके यहाँ पे हमें भी हीलिंग खाते रहना पड़ेगा, अपने पास हीलिंग कितना बचा है वो भी मेरे को नहीं पता। सो फिलहाल के लिए तो हम लोग भी हीलिंग खाते रह रहे हैं। एंड साथ में जो है ना इसको भी मार रहे हैं, इसको भी 56K का टॉर पर तो चढ़ चुका है भाई, भागना मत। अरे ये भाग रहा है क्या? ओके ये यहाँ पे भाग चुके हैं। अगर हम लोग नीचे गए तो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क तो है, बट अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचा भी नहीं, तो हमें इसको फॉलो करना ही होगा, क्योंकि इसका जो टॉर पर चढ़ा था, एक मिनट यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा क्यों है हर जगह? अरे वो गया कहाँ पे? अरे थ्रोनी ड्रैगन रुक जा बेटा, कहाँ पे गया? इतना टॉर्पर देने के बाद अगर ये भाग गया तो कैसे चलेगा?
इतना ज्यादा हाई लेवल का था प्लस ये। ओके यहाँ पे मेरे को खास दिख तो नहीं रहा है। तो गाइस फाइनली जो है ना यहाँ पे हम लोग का मतलब गेम क्रैश होने का चक्कर में जो है हमें जो थ्रोनी ड्रैगन हम लोग टेम कर रहे थे वो यहाँ पे गायब हो चुका था। बट फाइनली हमें लग रहा है कि ये नीचे कहीं पे था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि थ्रोनी ड्रैगन तो यहीं पे कहीं पे था भाई, पर गया कहाँ पे वो। वाह भाई वाह वाह, ये कर लो तुम पहले। एक काम कर लेते हैं यहाँ से जो है ना, यहाँ से गलती मारना ही मतलब बेस्ट रहेगा। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे टीपी मार लेते लास्ट रिमोट लोकेशन पे, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे जो है ना अपना बहुत गंदी तरीके से पेटी बन सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भागते हुए जो थ्रोनी ड्रैगन है वो तो यहाँ पे है, तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं से मतलब टीम तो कर ही पाएंगे। सो एक काम कर लेते, ये आरजी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो ये आरजी को मारने का यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। मेरे को पता नहीं कि मतलब ये कितना पॉसिबल है हम लोग से यहाँ पे। सो एक काम कर लेते हम लोग यहाँ पे सबसे, अरे भाई आरजी निकल जा भाई, क्यों ऐसा कर रहा है। सो हम लोग जो है ना अपना ड्रैगन का क्यों ना निकाल ले भाई, निकल जा। ओके अपना ड्रैगन जो इसका काम बच्चे तो कर ही लेगा, अपना यहाँ पे सब चीज़ें वगैरह इसने तोड़ दी है, तो उसको आई जस्ट होप कि थ्रोनी ड्रैगन मतलब अपना जो ही है इसको जल्दी जल्दी से उड़ा दे, इसलिए मेरे को यहाँ पे हीलिंग भी खानी होगी, नहीं तो ये मेरे को उड़ा देगा। बैठ जा भाई थ्रोनी, अभी हो गया हो गया, अभी वाई वन तेरा काम 25 हो चुका है, अभी तू यहाँ पे आ जा। यहाँ पे अपना मतलब जो है वाइवर ने इसको तो उड़ा दिया है, अभी वहाँ पे था। एक मिनट, ये थ्रोनी ड्रैगन गया कहाँ पे। ओके यहाँ वहाँ पे जो है ना मेरे को यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन दिख रहा है, उसका मतलब जो है ना हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। सो एक काम कर लेते, उसको और ज़्यादा डैमेज दे के जो है ना यहाँ पे हम लोग काम 25 करवा देते, नहीं तो अपना जो है यहाँ पे काफ़ी गंदी तरीके से बैंड बच सकती है। सो यहाँ पे इसको 62 का टॉर्च पर जो है चढ़ चुका है, तो हमें इसको थोड़ा और टॉर्च पर देना है, उसके बाद जो है ना ये इसका काम 25 हो जाएगा। सो 63 का टॉर्च पर यहाँ पे इसका हो चुका है। ये कहाँ पे जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर ये कहीं पे फंस जाता तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बट यहाँ पे किसी ने तो मेरे को मारा। एंड यहाँ पे 64K का और हमें 10K का टॉर्च पर देना है, वो मतलब कितना पॉसिबल होगा मेरे को नहीं पता, बट कोई तो मेरे को मार रहा है जिससे भाई अपना हेल्थ काफ़ी गंदी तरीके से जा रहे हैं। एंड हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना मेरे को लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे इसको टॉर पर तो दे ही सकते। अरे रुक जा भाई, ये कहाँ पे जा रहा है। जो हिसाब से ये जा रहा है तो मेरे को लगता है कि थ्रोनी ड्रैगन जो है ना यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से इसको इसका पेटी बना सकता है। सो हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, पर थ्रोनी मैं वहाँ से थ्रोनी ड्रैगन भाग चुका है, तो हमें यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है ना वापस से पहुँचनी होगी। उससे पहले तो हमें जो है अपना आर्मर वगैरह को मतलब रिपेयर करना होगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपना आर्मर वगैरह को रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे वापस से चलते हैं, क्योंकि आर्मर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो जब तक वो टूटती नहीं तो इतना ज़्यादा डैमेज हमें पड़ती नहीं। तो हम लोग सबसे पहले तो अपना आर्मर वगैरह रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन को टेम करने। ओके तो यहाँ पे जो है ना अपना आर्मर हम लोग ने यहाँ पे रिपेयर कर लिया है, अभी चलते हैं इसको पहनते हुए जल्दी जल्दी अपना जो है इसको निकालना है वाइवन को। वाइवन को ले के ही जा सकते हैं हम लोग वहाँ पे, क्योंकि थ्रोनी ड्रैगन थोड़ा दूर जा चुका है, तो हम लोग यहाँ पे वाइवन को ले लेते हैं। एंड लेने के बाद अरे वाइवन, ओके अपना लास्ट जो रिमोट लोकेशन था ना, सबसे पहले तो वहीं पे हम लोग पहले चलते हैं, एंड उसके बाद जाके जो है अपना जो थ्रोनी ड्रैगन जो डायरेक्शन पे भागा था, तो हम लोग वो डायरेक्शन पे जाके जो है ना उसको यहाँ पे टेम करने का कोशिश करते। थ्रोनी ड्रैगन ये साइड में कहीं पे आया था, ये वाला है ना। हाँ थ्रोनी ड्रैगन ये वाला है, बट यहाँ पे जो एलोसोरस दिक्कत दे सकती है वो थोड़ा ज़्यादा ये हो सकता है वो थ्रोनी को मार रहा है, वहाँ के मार नहीं रहा है, उसने मार दिया भाई। इतना मेहनत की थी मैंने, एंड उसके बाद जाके जो है ना यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन जो है उसका यहाँ पे पेटी बन चुका है, तो हमें यहाँ पे दूसरा वाला देखना पड़ेगा जिसको हम लोग दूर से जो है यहाँ पे मार पाए उसको। अगर हम लोग ने मार पाया तो हम लोग यहाँ पे जो है ना उसको भाई वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम लोग एक काम कर लेते, सबसे पहले तो इसको उड़ा देते हैं, उसको उड़ाने के बाद यहाँ पे नीचे जो दो थ्रोनी ड्रैगन हमें दिख रहा है सो यहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे बैठने के बाद अगर अपने पास कुछ खास ज़्यादा मतलब ये भी नहीं हो तो फिर भी यहाँ पे जो है काम तो आने वाला है,
क्योंकि ये थ्रोनी ड्रैगन जो यहाँ पे मतलब टॉर पर दे रहा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्रायो कर लेते हैं सबसे पहले, एंड उसके बाद लास्ट अपना जो लास्ट रिमोट लोकेशन है अपना बेस पे जो है यहाँ पे टीपी भेज देते हैं। सो ये काम 25 हो चुका है, अभी चलते हैं एंड जाके इसको जो है ना थ्रोनी ड्रैगन को यहाँ से हम लोग टॉर पर देने का कोशिश करेंगे। थोड़ा लो लेवल का देखते हैं ताकि हमें जो है ना जल्दी जल्दी टॉर पर चढ़ सके। सो एक का है 49K का टॉर पर, बट यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा दूर है, अगर नीचे गिर गए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग दूसरा इससे ट्राई करते हैं, भाई बार बार ये भी ग्लिच हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे लग चुका है एंड हमें पता है कि थ्रोनी ड्रैगन को जो है ना यहाँ पे बैठ के ही हमें मारनी होगी। अगर हम लोग वहाँ पे चले गए तो अपना पेटी बनना तो 100% श्योर है। तो ये थ्रोनी ड्रैगन यहाँ पे आ चुका है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अरे रुक जा भाई, ये वाला यहाँ पे आ चुका है, चलो इससे ऊपर जैसे ये चढ़ ना पाए तो ये अपने लिए अच्छा रहेगा। अगर ये ऊपर चढ़ पाया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे इसको टॉर पर देने का कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये अभी फ़िलहाल के लिए तो भाग नहीं रहे, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। तो जल्दी जल्दी इसको टॉर पर दे देते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अरे लग जा भाई, एरो तो लग जा। ओके यहाँ पे लग रही है। ओके यहाँ पे ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये ऊपर चढ़ गया तो अपना पीटी बनना तो 100% श्योर है। सो अभी ये ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर ये चढ़ ना पाए तो वही अच्छा रहेगा हमारे लिए। एंड मेरे को लग रहा है कि अपना जो एरोस है वो गलत जगह पर लग रही है। सो अभी सही जगह पर इसको टॉर पर जो है 7K का ही चढ़ रहा है भाई, बहुत गंदी तरीके से टॉर पर देना होगा इसको हमें। एंड इसका ये अटैक मेरे को लग नहीं रहा है, वो दूसरा एडवांटेज अपने लिए। सो हम लोग ये देख लेते हैं, क्योंकि इससे मतलब टॉर पर जो है ना काफ़ी गंदी तरीके से कम चल रही है, बट अभी इससे मुझे लगता है कि इससे तो और ज़्यादा कम चल रहा है तो टॉर पर। चलो हम लोग का ये 3 लेवल का जो हम लोग ने इसको किया था ना, ये वाला ही अच्छा है, तो इससे हम लोग दे देते हैं इसको टॉर पर। इसका टॉर पर जल्दी से जल्दी चले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, बट मेरे को पता है कि जैसे ये टॉर पर ज़्यादा चढ़ने लगेगा ये भागना स्टार्ट कर देगा एंड मैं इसको बोला भी नहीं कर पाऊँगी। सो हमें जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ पे टॉर पर देनी होगी। भागना मत, बस भागना मत, क्योंकि भाग के भाई 1400 जो लेवल का जो था ना उसको भाई क्या गंदी तरीके से एलोसोरस ने मार दिया है। सो जल्दी जल्दी इसको टॉर पर दे देते हैं। ओके इसको 37K का जो टॉर पर है वो यहाँ पे चढ़ चुका है, तो ये यहाँ पे भागना चालू कर दिया है। सो अगर हम लोग उतना नीचे चले गए तो हमें पता है कि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सो अभी हमें साइड से यहाँ से कल्टी मारनी होगी, नहीं तो हमें यहाँ पे भाई इन लोग उड़ा सकते हैं। सो हम लोग जो है ना यहाँ से जल्दी जल्दी से चले जाते हैं उसका पीछे पीछे, क्योंकि अगर दिस टाइम ये भी मर गया तो अपना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हम लोग ने इसको काफ़ी ज़्यादा टॉर पर तो दे दिया था। सो अभी ये गया कहाँ पे, एक मिनट, अभी बोल बोलना कि ये भी नीचे जा चुका है, नीचे जा चुका है ये ऑलरेडी। ओ भाई अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने पास एक ऑप्शन तो है, हम लोग यहाँ पे जो है ना ग्रैपलिंग हुक लगा के यहाँ पे काम 25 करने का कोशिश करते हैं। कितना हो पाएगा वो मेरे को नहीं पता, बट हम लोग यहाँ पे ग्रैपलिंग हुक तो ट्राई कर ही सकते हैं। पर मेरा ग्रैपल गया कहाँ पे। ओके यहाँ पे भाई मेरे को ग्रैपलिंग हुक भी नहीं दिख रहा था, तो हम लोग ने यहाँ पे ग्रैपलिंग हुक जो है यहाँ पे लगा लिया है। सो इसको लगाते हैं यहाँ पे एंड एक मिनट मैं ट्रैंक क्यों मार रहा, चलो मेरी मैं गलती से वहाँ पे ट्रैंक मारे जा रहा था। सो अपना जो ग्रैपलिंग हुक है उसको यहाँ पे लगा देते हैं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है तो यहाँ से ग्रैपलिंग लगना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो ये भी नीचे जा चुका है, अपना अपना ये कहाँ पे गया भाई, अपना ये कहाँ पे गया जिसको मैं टेम कर रहा था थ्रोनी ड्रैगन, वो ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा मेरे को कोई चाहिए नहीं होगा अभी के लिए। ये कौन है, वहाँ पे भी थ्रोनी ड्रैगन ही है। सो एक काम कर लेते हैं, ये यहाँ पे फंसा हुआ है तो शायद मे बी ये हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि उसको ये करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था हमें। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो है ना फंस चुकी, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ से जो है हम लोग, अरे निकल क्यों नहीं पा रहा मैं।
ओके हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रैपलिंग मार लेते हैं। एंड ग्रैपलिंग मारने के बाद जो है यहाँ पे नीचे मेरे को लगता है कि इसको डैमेज तो पड़ेगा, बट अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचते नहीं क्योंकि यहाँ पे अटका हुआ है। तो हम लोग एक काम कर लेते कि यहाँ पे बैठ के ना इसको यहाँ पे मतलब मारना चालू कर देते। हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्पर देने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी हम लोग उसको टॉर्पर दे देते हैं, उसके बाद जाके आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो है इसको 61K का टॉर्पर चढ़ चुका है, तो देखते हैं कि दिस टाइम हम लोग इसको टेम कर पाते हैं कि नहीं। मेरे को पता है कि जैसे ये पास होने वाला है ये भागना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितना मतलब इसको ये कर सकते हैं, टॉर्पर दे सकते हैं या ये भागता है, वो अभी हमें यहाँ पे देखनी होगी। सो यहाँ पे टॉर्पर तो ऑलमोस्ट चलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, हम लोग इतना ज़्यादा थ्रोनी ड्रैगन का पीछे पड़ चुके हैं ना भाई, क्या ही बोले। बट फाइनली ये यहाँ पे हिल नहीं रहा, तो अच्छी बात है, हमें यहाँ पे लगभग 10 जो के है उसका टॉर्पर देना पड़ेगा अभी, तो लगभग 5K का ही टॉर्पर देना होगा, उसके बाद ही जाके जो है ना हम लोग यहाँ पे इसको टेम कर पाएंगे। बट कितना होने वाला मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है कि ये वापस से भागने का कोशिश कर रहा है। सो बस ये भागना है भाई, यहाँ पे अटक जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। सो यहाँ पे जो है ना ओके फाइनली हो जा भाई, हो जा, क्योंकि कितना मेहनत की है ना इसके लिए मैं बता नहीं सकती। सो लास्ट एक फटका एंड यहाँ पे फाइनल इसको टॉर्पर चढ़ चुका है, सो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अभी यहाँ पे जो इसको मीट वगैरह खिलाना होगा, हमें अपने पास प्राइम मीट है क्या? ओके यहाँ पे प्राइम मीट है एंड अपने पास जो टीम हेल्पर है ना, सबसे पहले तो वो जल्दी जल्दी इसको खिला देते हैं ताकि हम लोग इसको जल्दी जल्दी टीम करके जो है ना लेके जा पाए। एंड हियर वी गो। तो इसके साथ जब मैं इसको टॉर्पर दे रहा था ना, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है ये भी यहीं पे, बट इसको पहले टेम होने दो। ये टेम होने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जैसे ये टेम हो जाएगा उसके बाद जाके इसको क्रायो करके हम लोग शायद यहाँ से हिल पाएंगे, नहीं तो लगता है कि हम लोग यहाँ पे वापस से अटक चुके। एंड यहाँ पे जल्दी हो जा भाई, चलो यहाँ पे फाइनली थ्रोनी ड्रैगन, इतना मेहनत के बाद फाइनली यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन जो है यहाँ पे हम लोग से टेम हो चुका है। सो हम लोग इसको क्रायो कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जो ये थ्रोनी ड्रैगन है ना, इसको यहाँ पे मैं जब टॉर्पर दे रही थी उसको, तो ये भी यहाँ पे आके मतलब काफ़ी ज़्यादा उंगली कर रहा था, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्पर जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो हमें जल्दी से थोड़ा सा ही इसको टॉर्पर देना है, उसको जाके हम लोग इसको भी टेम कर पाएंगे। सो एक में मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था हमें यहाँ पे ये करने के लिए, बट फाइनली जो है ना यहाँ पे अपना दो थ्रोनी ड्रैगन टेम होने वाला है, जो हम लोग ने ऑलरेडी टॉर्पर दिया था। एंड यहाँ पे और एक जो है ना बाय वन गेट वन फ्री हो चुका है यहाँ पे, हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पे फाइनली हम लोग ये दोनों को टेम कर पाएंगे। ये अपने लिए अच्छी बात है, एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एंड एक जो है ना यहाँ पे नॉर्मल, इसका भी मतलब लेवल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका भी लेवल 1400 हो चुका है। सो काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग ने यहाँ पे दो थ्रोनी ड्रैगन टेम कर लिया। हम लोग कोशिश कर रहे थे एक को टेम करने के लिए, बट यहाँ पे फाइनली हम लोग ने यहाँ पे दो थ्रोनी ड्रैगन जो है वो टेम कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था उसको टेम करने के लिए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थ्रोनी ड्रैगन चेंज करना पड़ा यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, बट एट द एंड फाइनली ये चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोग का जो है यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन टेम हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि इसके लिए शैडल को पहना सकते हैं क्या, इसके लिए शैडल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं TH RN ओके यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन का जो है शैडल यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो जो शैडल है ना वो बना लेते हैं एंड उसके बाद जाके दोनों को दे देते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग एक का ही डैमेज टेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा का जो है ना वो डैमेज हम लोग बाद में देख लेते हैं। मैं सोच रहा कि जो दो हम लोग ने टेम किया, एक अगर अच्छा टॉर्पर दिया तो हम लोग एक जो है राहुल ने हम लोग ने यहाँ पे हमें छोटा सा गिफ्ट दिया था, तो हम लोग भी इन रिटर्न ये गिफ्ट देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो बाद में देखते कि कुछ ओपी सा डाइनो मिला ना तो वो देने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन का आर्मर भी हो चुका है, सो थ्रोनी ड्रैगन को निकालते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे इतना मेहनत के बाद जो हमें यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन मिला है ना उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं ये कितना लेवल का है, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये सबसे हाई लेवल का है, तो इसको निकाल के देख लेते हैं। सो ओके ये है, इसका लेवल है 2000 भाई, इसको मतलब टेम करते करते इसका लेवल 2000 हो चुका है। सो हमारे लिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अल्फा ब्लूप्रिंट कुछ तो कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे शैडल पहना, शैडल क्यों नहीं हो रहा भाई, इसको मैं यहाँ पे क्राफ्ट भी नहीं कर सकता। अगर मैं जाके इसको यहाँ वहाँ पे भी क्राफ्ट करूँ तो कमन थ्रोनी ड्रैगन, रुकना हम लोग यहाँ पे और एक बार जो है ना यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। थ्रोनी ड्रैगन हम लोग यहाँ पे टेम तो कर लिया, बट क्या चल रहा है मेरे साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे शैडल देखते हैं थ्रोनी ड्रैगन, रुकना यहाँ पे डेजर्ट का कपड़ा वगैरह था, लो को लियो
यहाँ पे थ्रोनी ड्रैगन का एक ही शेडल है, एंड अगर हम लोग इसको क्राफ्ट कर ले तो अगर ये फिर से कमन आया ना तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे हम लोग थ्रोनी ड्रैगन का शेडल तो बना रहे हैं, सो यहाँ पे कमन क्यों आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो हमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी अपना जो इन्वेंट्री है वहाँ पे भी मतलब थ्रोनी ड्रैगन का शेडल तो बना सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है एंड इसको तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो ये थ्रोनी ड्रैगन का जो है ना यहाँ पे शेडल बन नहीं रहा है, एंड मेरे को नहीं लगता कि जो हम लोग ने थ्रोनी ड्रैगन टेम किया उसका कुछ यूज़ भी आने वाला, क्योंकि इसको जब शेडल ही नहीं पहना सकते तो इसको मैं इक्विप इसके ऊपर राइड करूँगी कैसे। वाह मैन ये सही है, ये कुछ तो ग्लीच है भाई। यहाँ पे इतना मेहनत करके टीम कर लिया बट यहाँ पे जो इसको शैडल पहना नहीं सकते तो इसका कुछ काम है नहीं। बट अच्छी बात यह कि हम लोग ने यहाँ पे दो दो जो है थ्रोनी ड्रैगन अभी फ़िलहाल के लिए तो टीम कर लिया, तो इसको शैडल वगैरह कुछ पहना नहीं पा रहे, तो जो शैडल वगैरह पहनाना है वो हम लोग बाद में कोशिश कर लेते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो पहना देंगे, एंड देखते हैं कि यहाँ पे शायद कुछ दूसरा होगा जिसको हम लोग यहाँ पे पहना सकते हैं दूसरा शैडल वगैरह, तो वो बाद में फाइंड आउट करके ज़रूर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए जो है ना यहाँ पे दो टीम कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो एपिसोड है वो आपको यहाँ पे कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग ने यहाँ पे दो दो थ्रोनी ड्रैगन तो टेम कर लिया, बस अपना किस्मत इतना ख़राब है कि यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको शेडल वगैरह पहना नहीं सकते, एंड पता नहीं इसको अगर शेडल नहीं पहना हुआ तो राइड कैसे करेंगे, इनसे टॉर्पर कैसे चेक करेंगे। अगर मतलब इसको हम लोग शेडल पहना पाते तो इसका डैमेज वगैरह टेस्ट करके आपको दिखा देता, बट फिलहाल के लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो बाद में देखते हैं कि हम लोग इसका शेडल वगैरह कैसे बना सकते हैं, वो रिसर्च करके आपको एक बार तो इसका डैमेज ज़रूर टेस्ट करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।